पहली बार अपने गांव के बाहर विवादित बोर्ड लगाकर सुर्खियों में आए रावल। टाइम मैगजीन दे चुकी है टॉप 100 इमर्जिंग नेताओं की लिस्ट में जगह। कौन है भीम आर्मी चीफ? चंद्रशेखर आजाद रावल। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावल पर यूपी के सहारनपुर के देवबंद के पास बुधवार को गोली चलाकर हमला किया गया। हालांकि वह बाल बाल बच गए, लेकिन घटना से सियासी पारा बढ़ गया है। जिले के चटमलपुर के पास धड़कुली गांव में 3 दिसंबर 1986 को पैदा हुए चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावल कुछ साल पहले अपने गांव के बाहर एक बोर्ड लगाकर चर्चाओं में आ गए थे। इसमें उन्होंने धड़काली वेलकम टू द ग्रेट चमार्स लिखा था। इससे वहां विवाद भी खड़ा हो गया था। दलितों की समस्याओं को लेकर जब वे सड़कों पर आंदोलन शुरू किए तो उनकी राजनैतिक पहचान बढ़ गई। युवा नेता के रूप में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने उन्हें टॉप 100 इमर्जिंग नेताओं की लिस्ट में जगह दी थी। उन्होंने दलितों के उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव के विरोध में 2015 में भीम आर्मी की स्थापना की थी। इस संगठन के जरिए उन्होंने दलितों पिछड़ों के हक में कई आंदोलन किए और आवाज उठाई। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावल को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।